वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। ये रहे हमारे चुलबुले उतावले प्यारे प्यारे ऑस्कर फिश, और ये देखिए आप इनकी स्कूलिंग भी देख सकते हो। जी हाँ, बड़े फिशेस भी स्कूलिंग करते हैं ऑस्कर जैसे। जैसे कि अभी आप फिर से दोबारा देखिए, ये स्कूलिंग करेंगे एक साथ जब ये ग्रुप में तैरते हैं, इसे बोलते हैं स्कूलिंग, जो आप अभी देख रहे हो। ये छोटे फिशेस में हमको देखने को मिलती है जैसे टेट्रास, टाइगर बार्ब्स, बट ऑस्कर भी स्कूलिंग करते हैं। सो आपने इसकी झलक भी अभी देखी। सो ये वीडियो में मैं आपको इनको खिला के दिखाने वाला हूँ पांच अलग अलग प्रकार के ड्राइड इंसेक्ट्स या वर्म्स। सो ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा, हमारे ये ऑस्कर्स ने 2 मंथ्स में ही इतनी अच्छी साइज पकड़ी। ये मैं बेबी साइज से इनको लेकर आया था सभी को, और विद इन 2 मंथ्स इनकी साइज बहुत अच्छी हुई। रीज़न इसके पीछे ये है कि मैं इनको बहुत अलग अलग तरह का प्रकार का खाना देता हूँ, एंड ना सिर्फ मैं सिर्फ पैलेट्स पर रिलाई होता हूँ, सिर्फ पैलेट्स पर ही डिपेंड नहीं रहता हूँ, बल्कि इनको ढेर सारा अलग अलग वैरायटी का फिश फूड देता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 15 टाइप्स ऑफ फिश फूड, 15 प्रकार के फिश फूड जो आप आपके एक्वेरियम फिश को खिला सकते हो, वो वीडियो मैंने बनाया था आपको YouTube इंडिया पर। सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर वैसा वीडियो मिलेगा। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोमील के इंसेक्ट्स और वर्म्स खिला के इनको दिखाने वाला हूँ। एंड ऑस्कर्स है तो जाहिर सी बात है ये खाना खाने के लिए उतावले होते ही है, तो इसलिए मैं हमेशा ऑस्कर्स ही दिखाता हूँ फीडिंग के वीडियो में, बिकॉज जिस तरह से ऑस्कर्स खाते हैं, मेरे ख्याल से दूसरी कोई भी फिश इतनी उतावली होकर नहीं खाती है। सो मेरे हिसाब से इसलिए ऑस्कर जो है बहुत एक्साइटमेंट दिखाकर खाती है। सो अभी हम सबसे पहले इनको जो फिश फूड खिलाने वाले हैं उसकी एक झलक देख लेते हैं, फिर वापस हम आएंगे हमारे फिश टैंक रूम में। Here is the dried range of insects and worms from Promeal. Promeal offers widest variety of insects and worms, hence it is the leading feeder insect producer company in India. यहाँ पर मेरे पास है Promeal के soldier fly larvae, superworms, mealworms, roaches and crickets. So ये सारे है dried form में। Promeal offers all of these in live form as well. इसमें से कोई भी फूड अगर आप आपके फिशेस के लिए परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़ॉन के लिंक्स दिए हुए हैं, या अगर आप डायरेक्टली प्रोमील कंपनी से ऑर्डर करना चाहते हो तो ये रहा कंपनी का सेल्स नंबर जहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और डायरेक्टली होम डिलीवरी ले सकते हो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट की। अगर आपको ड्राइड चाहिए या अगर आपको लाइव चाहिए, आपको सभी कुछ मिल जाएगा इस नंबर के ऊपर जो मैंने ऊपर फ्लैश कर दिया है। नाउ लेट्स वॉच द फीडिंग फ्रेंजी ऑफ फार फिशेस। सबसे पहले हम लोग फिशेस को खिलाएंगे ये ड्राइड रोचेस। तो लाइव रोचेस की भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो ज़रूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड की है, बिकॉज उस वीडियो में हमने 4 टाइप्स के लाइव रोचेस दिखाए। जी हाँ, 4 प्रकार के लाइव रोचेस दिखाए, जैसे हिसिंग मेडागास्कर रोचेस, लॉबस्टर रोचेस, डुबिया रोचेस और रेड रनर रोचेस। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट करते हैं अब कि कैसे दिखते हैं ये ड्राइड रोचेस। सो फर्स्ट आई विल शो यू। सो ये देखिए प्रॉपर होलसम रोचेस है, एंड कहीं पे भी कोई टूटा हुआ या ब्रेक हुआ नहीं है। सो यू कैन सी दिस। सो फर्स्ट टाइम मैं हमारी फिशेस को ये खिलाने वाला हूँ, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए फिर खिलाते हैं ड्राइड रोचेस सबसे पहले इनको, और देखते हैं कैसे मज़े से ये लोग इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इतने से ही मैंने लिए हैं, सो सेंटर में डाल देते हैं यहाँ पर। सो ये चले गए। So look at that, ये देखिए, you can hear that sound, और डाल देते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट हम लोग फीड करेंगे ड्राइड क्रिकेट्स। लाइव क्रिकेट्स की भी वीडियो बनाई है, अनबॉक्सिंग करके दिखाई है लाइव क्रिकेट्स कैसे दिखते हैं, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं पहले कि ये ड्राइड क्रिकेट्स कैसे दिखते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सेम लाइक द रोचेस आई एम वॉचिंग ड्राइड क्रिकेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो आई एम गोइंग टू फीड द ड्राइड क्रिकेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये देखिए सारे एकदम प्रॉपर है, होलसम है। सो ऐसे होते हैं ये। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स फीड। तो अब बारी है फीड करने की ड्राइड क्रिकेट्स। सो ड्राइड क्रिकेट्स भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट टाइम मैं इनको खिला रहा हूँ, तो आपके साथ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि कैसे एक्सेप्ट करेंगे। वैसे तो ऑस्कर्स हैं, सभी कुछ पसंद है इनको, तो नॉनवेज रहेगा तो और ज़्यादा पसंद है। ये मेरे पास है अब ड्राइड क्रिकेट्स जो मैं अब डाल देता हूँ इसके अंदर। सो देखा आपने अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर ने कैसी छलांग लगा के क्रिकेट्स पर हमला कर दिया। तो देखिए विद इन 5 सेकेंड्स इन्होंने ख़त्म कर दिया। थोड़ा और डाल देते हैं। सो आई थिंक इनको ये ज़्यादा ही पसंद आ गया बिकॉज ये क्रिकेट्स जो है काफ़ी मोटे से हैं, बिकॉज इनको सुपरवर्म्स और मीलवर्म्स खाने की आदत है जो पतले पतले होते हैं, बट ये क्रिकेट्स जो है वो अब देखिए बहुत अच्छे साइज में है, तो इनको खाने को बड़ा मज़ा आ रहा है शायद। सो देखिए अगेन फिनिश्ड विद इन सेकेंड्स। Now let's have a look at the most popular Pro Meals dried mealworms. So इसकी फीडिंग मैंने आपको बहुत बार दिखाई है लाइव mealworms की, ऑल्सो ड्राइड mealworms की। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन चेक इट आउट। सो देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। सो यहाँ से ही देख सकते हो आप लोग, इनकी पैकेजिंग देखिए बहुत बढ़िया है। तो यही से दिख रहा है कि सारे mealworms एकदम होलसम है, कोई भी वर्म टूटा फूटा नहीं है। सो अगर आप लाइव नहीं दे सकते, इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल इन फीडिंग लाइव मीलवर्म्स, तो आप ड्राइड मीलवर्म्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। सो यू कैन गो फॉर ड्राइड मीलवर्म्स। तो अब देखते हैं हमारे फिशेस कैसे एक्सेप्ट करते हैं इन्हें। लेट्स ऐड। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, लाइव हो ड्राइड हो प्रोटीन परसेंट सेम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ड्राइड है तो प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाएगी या न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, ड्राइड में भी उतना ही प्रोटीन परसेंट आपको मिलेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है लाइव मीलवर्म्स रखने के लिए या कोई भी लाइव इंसेक्ट रखने के लिए, तो आप बेशक ड्राइड फॉर्म उस इंसेक्ट या वर्म का रख सकते हैं। नाउ यर इज प्रो मील्स ड्राइड सुपरवर्म्स, अ ग्रेट प्रोटीन रिच ऑप्शन फॉर योर फिशेज। सो एरवानास, फ्लावरॉन्स, ऑस्कर्स या बड़े सिकलेट्स जस्ट लव दिस फिश फूड। एंड ये देखिए पूरे सारे सुपरवर्म्स एक भी टूटा फूटा नहीं है, सारे एकदम प्रॉपर अपने होल फॉर्म में हैं। जैसे लाइव फॉर्म में होते बिल्कुल वैसे ही ड्राइड फॉर्म में भी है, पूरे अपने शेप में। सो लेट्स सी कि हमारे फिशेस कैसे एक्सेप्ट करते हैं इन्हें। नाउ इट्स टाइम टू फीड प्रोमील के ड्राइड सुपरवर्म्स जो भी इनका फेवरेट है। सो इतने ले लिए मैंने। नाउ लेट्स ऐड एट द सेंटर।
नाउ हियर इज प्रोमील्स ड्राइड सोल्जर फ्लाई लार्वे द फिफ्थ ऑप्शन इन द ड्राइड रेंज. तो इसकी मैंने फीडिंग आपको ऑलरेडी दिखाई है, अगर आपने मिस की रहेगी तो ज़रूर देखिए. सो ऐसे दिखते हैं ड्राइड सोल्जर फ्लाई लार्वे. दिस इज़ ऑल्सो अ हाई प्रोटीन फिश फूड जो आपके फिशेस को खिला सकते हो. सो दिस इज़ हाउ द ड्राइड सोल्जर फ्लाई लार्वे लुक्स. एंड अगर हम इन्हें कंपेयर करें विथ द ड्राइड मील वर्म्स, तो यहीं पे मैं मील वर्म्स डाल देता हूँ. सो अगर हम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, बट जो सोल्जर फ्लाई लार्वे है ड्राइड फॉर्म में, वो मील वर्म से थोड़े से शेप में और साइज़ में बड़े हैं एंड द प्रोटीन परसेंट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. सो बोथ आर अ गुड ऑप्शन टू फीड योर फिशेस. सो लेट्स फीड. ये भी इनको बेहद पसंद है खाना एंड इनमें भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन परसेंट होता है. सो लेट्स सी हाउ दे एक्सेप्ट. सो ये टूट पड़े सारे. सो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको दिखाया 5 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स की फीडिंग, जिसमें मीलवर्म से, सुपरवर्म से, रोचेस से, क्रिकेट से, ड्राइड सोल्जर फ्लाई लार्वे, ये सब मैंने आपको दिखाया इनको खिलाकर. तो जिस तरह हमें ह्यूमंस को एक प्रकार का, एक टाइप का खाना खाना पसंद नहीं होता है, बी इट वेज या नॉन वेज, अगर आप वेज हो या नॉन वेज हो, एक टाइप का वेज फूड या एक टाइप का नॉन वेज फूड आप रोज़ाना डेली नहीं खा सकते, उसी तरह हमारे फिशेस का भी है. प्लीज़ इन्हें एक ही टाइप का खाना मत दीजिए. पैलेट्स में भी काफ़ी वैरायटीज़ आती है, जैसे फ्लोटिंग पैलेट, सिंकिंग पैलेट, स्टिक्स फॉर्म में आते हैं पैलेट्स. तो आप ट्राई कीजिए कि आपके फिशेस को वैरायटी का खाना दीजिए, सो दैट उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ऑल्सो उनको एक वैरायटी का डाइट मिले. एंड इतने सारे फिश फूड ऑप्शंस है कि आप 2 हफ्ते तक बिना रिपीट अपने आपके फिशेस को अलग खाना दे सकते हो. जी हाँ, 2 हफ्तों तक आप अलग अलग फूड इनको दे सकते हो, इनको खिला सकते हो बिना किसी रिपीट के. ऑलरेडी मैंने 15 टाइप्स ऑफ फिश फूड दिखाए है, वो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको 15 प्रकार के फिश फूड ऑप्शंस दिखाए थे जो आपके ऑस्कर्स को या फिशेस को आप खिला सकते हो. तो मैं इनको 1 वीक तो बिना रिपीट फिश फूड खिलाता हूँ. जी हाँ, 1 हफ्ते तक बिना रिपीट किए मैं इनको अलग अलग प्रकार का फिश फूड खिलाता हूँ. सो जिससे कि आप देख सकते हो कि इनकी साइज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि मैंने इनको फ्रॉम बेबी साइज़ से लाया था, तो ये साइज़ इनकी बहुत अच्छी हुई. तो काफ़ी सारे ऑप्शन है. पैलेट्स के अलावा भी आप स्टेरलाइज ब्लडवर्म्स खिला सकते हैं, चिकन हार्ट, प्रॉन्स, श्रिम्प, काफ़ी सारे वैरायटी के फ़िश फूड है. सिर्फ और सिर्फ पैलेट पर डिपेंड मत रहिए, और पैलेट भी आप अच्छे क्वालिटी का दीजिए, इम्पोर्टेड फूड जैसे हिकारी और टेट्रा दीजिए, ताकि आपके फ़िश को बेस्ट क्वालिटी का फूड मिल सके. ऑलराइट, दैट्स इट. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द फीडिंग और रिलेटेड टू प्रोमील्स रेंज ऑफ इंसेक्ट्स, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आपको अगर लाइव भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है फ्रॉम प्रोमील विथ लाइव डिलीवरी गारंटी. येस, प्रोमील इज द ओनली इंसेक्ट फीडर कंपनी विच ऑफर्स लाइव डिलीवरी गारंटी ऑफ इंसेक्ट्स. अगर आपको लाइव नहीं मिलता है तो आपको रिप्लेसमेंट या रिफंड मिलता है, ओनली फ्रॉम प्रोमील ये चीज़ अवेलेबल है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड. सो दिस वॉज द इंसेक्ट फीडिंग ऑफ आर ऑस्कर फिशेज दैट यू सॉ. So let me know in the comment section कि आपको कैसा लगा. Have a wonderful day ahead. Thank you so much for watching. I'll see you again next time in another interesting and entertaining video coming soon on SG Inceptions.